बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, आज सनास मेन्यू में बहुत ही टेस्टी, यूनिक और अमेजिंग रेसिपी बनने जा रही है। हम आज एक स्नैक बनाने लगे हैं, बहुत ही मज़ेदार। इसको एंड तक देखना है क्योंकि स्टेप है इसके, काफ़ी स्टेप्स में बनेगी ये रेसिपी और बहुत ही प्यारे ये स्नैक तैयार होगा। आजकल बारिशों का मौसम है, आप ये रेसिपी तैयार करें। आप ये स्नैक इजी, बहुत ही इजी और क्विक स्नैक है, आप इसको फौरन भी बना सकते हैं। इसमें कोई मेहनत नहीं है, कोई इतना मुश्किल काम नहीं है, आपने बस स्टेप बाय स्टेप सारे काम करने हैं और वीडियो को एंड तक देखना है, स्किप नहीं करना। और कुछ ही इंग्रेडिएंट्स हैं जो मैंने सामने रख दी हैं, कुछ जो है आगे मैं आपको साथ साथ बताती जाऊँगी। अभी मेन जो चीज़ें चाहिए वो हमारे पास 1 किलो बॉयल पोटैटो हैं और तकरीबन 3-4 दरमियाने साइज के आलू हैं जिनको मैंने ऐसे कद्दूकश कर लिया है, ठीक है। 3-4 आलू थे छोटे दरमियाने साइज के, ठीक है। और इन्हें मैंने ठंडे पानी में डिप करके रख दिया है ताकि इनकी जो स्टार्च है वो अच्छी तरह जो है रिमूव हो जाए, ठीक है। और 1 कप मेरे पास बेसन है, इस बेसन के अंदर मैंने ये देख रहे हैं सुर्ख मिर्च पाउडर डाला है, 1/2 चम्मच, 1/2 चम्मच नमक और 1/2 चम्मच जीरा और 1 चुटकी मीठा सोडा। ये आप देख रहे हैं ये चीजें मैंने इसमें डाली हैं और इनमें आलू नमक 1.5 टीस्पून या आप अपने हंसते जायका डाल सकते हैं और 1 टेबलस्पून भर के साबुत सूखा धनिया है, 1/2 टीस्पून हमारे पास गरम मसाला पाउडर, 1/2 टीस्पून अजवाइन और 1 टीस्पून हमारे पास सुर्ख मिर्च का पाउडर है या आप चिली फ्लेक्स भी डाल सकते हैं और ये मेरे पास नेशनल का फिश मसाला है, 1 टेबलस्पून मैं इसमें भी डालूंगी। अब आप हैरान हो रहे होंगे कि पोटैटोज बॉयल भी हैं और कश भी किए हुए हैं और ये कुछ समझ नहीं आ रही है। ये हमारे पास ये देख रहे हैं चॉप किया हुआ प्याज भी है, हरी मिर्चें, हरा धनिया। तो ये जो हम स्नैक बनाने जा रहे हैं ये बहुत ही बाहर से जब आप इसको टेस्ट करेंगे तो अलग टेस्ट होगा, अंदर से अलग टेस्ट होगा। बाहर से आपको लगेगा कि आप मैकडोनल्ड आए हुए हैं और आप हैश ब्राउन खा रहे हैं और जब आप इसके अंदर पहुंचेंगे तो आपको लगेगा आपको अपने स्कूल की कैंटीन की नान टिक्की की याद आ जाएगी, ठीक है। 2 टेस्ट होंगे एक ही रेसिपी में। आए हम रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो हम इसको इन चीज़ों को साइड पे करते हैं और इन आलुओं को हम कर लेते हैं। ये मैंने पानी में भिगो दिए इनका, अब हम पानी रिमूव कर लेते हैं। ये मेरे पास बारीक छलनी है और नीचे एक बॉल है, इसके अंदर मैं निकाल लेती हूँ। अब दोबारा से मैं इसको पानी में डालूंगी, पानी ठंडा होना चाहिए, बिल्कुल भी गर्म नहीं होना चाहिए। काफी पानी काफी हद तक जो है ना क्लियर हो चुका है। अब बस हम इसको छलनी में डाल के छोड़ देंगे। आप चाहें तो छलनी में इसको थोड़ी देर पड़ा रहने दें, नहीं तो आप इसको किसी मलमल के कपड़े में डाल के या रुमाल में डाल के तो दबा के तो अच्छी तरह निचोड़ लें ताकि बिल्कुल अच्छी तरह ये जो है ना हमें ड्राई। ये हमारे पास आलू आ गए हैं, आलुओं में सबसे पहले हमने ये मसाले ऐड करने हैं। जो फिश मसाला था 1 टेबलस्पून हम ये ऐड करेंगे और ये हमारे पास हरा धनिया और हरी मिर्चें हैं, हरी मिर्चें बारीक चॉप की हुई हैं, ये प्याज बारीक चॉप किए हैं, ये भी डाल देंगे और अब हम इनको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। आलूओं को कुछ मैंने मैश किया हुआ था, थोड़ा सा बाकी मिक्स करते करते मैश हो जाएंगे। बिल्कुल आलूओं का आपने बिल्कुल जो है मलीदा नहीं करना, थोड़े से इसमें आलू के चंक्स रहने चाहिए। हमारा मिक्सचर रेडी है, शेप दे लेंगे। शेप आप कोई भी दे सकते हैं जो आपको पसंद हो, आप बॉल शेप भी दे सकते हैं, थोड़ा ऐसे ओवल शेप भी दे सकते हैं। मैं इनको थोड़ा ओवल शेप दे रही हूँ, तो इसी तरह हमने बना के तो तैयार करके रख लेने हैं, एक ही साइज के, एक ही शेप के
हम इन्हें तैयार कर लेते हैं। कटलेट्स तैयार हैं और अब हम इसको साइड पे कर देंगे और अब हम इसको घोल लेंगे बेसन। नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं। नेक्स्ट स्टेप अब ये है हमारा, हमने ये जो हैश ब्राउन डिप किए हुए थे पानी में, इनको मैंने निकाल के तो अच्छे से कपड़े में डाल के, नैपकिन में डाल के जोर से मैं तोड़ लिया। ये इस वक्त आप देखेंगे बिल्कुल ड्राई हैं, बिल्कुल मेरे हाथ ड्राई हैं, इनको पकड़ा है मैंने तो ये देखें। अब हमने इसमें क्या करना है, ये दौड़ना है कि इसमें ये बिल्कुल एक चुटकी बराबर जो है ना, हम इसमें डाल रहे हैं नमक और ये 2 टेबल स्पून मेरे पास कॉर्नफ्लोर है, ये हम इसमें डाल देंगे। अब हमने इसको मिक्स कर देना। ये शक्ल बनी है इनकी, ये देखें बिल्कुल आटा आटा भी नहीं बिखरा हुआ कहीं और गीलापन भी नहीं है, बिल्कुल ऐसे ही होना चाहिए। ठीक है, अब हम बनाना स्टार्ट करते हैं इनको। ऑयल हमने जो है डीप फ्राई के लिए रख दिया चूल्हे पे, फ्लेम ऑन कर दिया है। यस, अब हम ये एक लिया लेंगे आलू का कटलेट्स, इसको पहले हम इसमें डालेंगे बेसन में, बेसन से उठा के हम इसे इसमें डाल देंगे। ठीक है, और इसके ऊपर अच्छी तरह हमने ये हैश ब्राउन लगाने हैं कि अच्छी तरह इनकी ये कवर हो जाए। ठीक है, हाथ थोड़ा साफ कर लेते हैं। जरा हाथ से इनको प्रेस कर देंगे ताकि ये ऑयल में जाके तो उतरे नहीं। ठीक है, थोड़े थोड़े ये जो निकले इनको निकला रहने देंगे, ये ज़्यादा क्रिस्पी हो जाएंगे और ये बहुत ही मज़े के लगेंगे फिर। ठीक है, यही इनकी जो है ना क्वालिटी है, इनकी इनमें यही खास बात है कि ये कुरकुरे होके तो बहुत ही टेस्टी लगेंगे। ठीक है, ये एक हमारा तैयार है, अब हम इसको ऑयल में डालते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, व्यूअर्स हमारा ऑयल गरम हो चुका है, फ्लेम है, अब हम इसमें ये डाल देते हैं, आराम से डालेंगे। व्यूअर्स ये एक साइड से सेट हो चुके हैं, इनको आपने जल्दी नहीं हिलाना, तो अब हम इनकी साइड चेंज कर देंगे। इनको सेट होने तक का वेट करना है, एकदम से इसमें चम्मच नहीं चलाना। और आप ये देख रहे हैं मैं बड़ा चम्मच नहीं ले रही हूँ और शौक से मैंने उठाया और बहुत आराम से ये उठाए हैं क्योंकि ये सेट हो अच्छे से हमारे फ्राई हो चुके हैं हैश ब्राउन कटलेट्स। इनको हम अब निकाल लेते हैं और अब आपको डिश आउट करके टेस्ट करके दिखाते हैं। देखिए कितनी प्यारी इनकी लुक आई है, ये देखें व्यूअर्स माशाल्लाह कितने प्यारे हमारे ये कटलेट तैयार हुए हैं, हैश ब्राउन आउटसाइड, आलू की टिक्की इनसाइड, बहुत ही मज़े के हैं। आए मैं आपको ये चेक करके दिखाती हूँ, ये आप देख सकते हैं ये कितने क्रिस्पी तैयार हुए हैं बाहर से, बहुत ही क्रिस्पी हैं, क्रंची हैं। तो मैं अब आपको ये कट करके दिखाती हूँ, एक ये आपको कटने से ही अंदाजा हो रहा होगा कि ये कितने क्रिस्पी हैं, अंदर से क्रंची हैं, अंदर से सॉफ्ट हैं, बहुत ही मजे के हैं। आपने ये रेसिपी जरूर ट्राई करनी है और मुझे कमेंट्स में बताना है कि आपकी ये रेसिपी कैसी तैयार हुई है। इंशाल्लाह आप फिर मिलेंगे किसी और अमेजिंग और इंटरेस्टिंग रेसिपी के साथ। मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें और एक अच्छा सा कमेंट देना हरगिज़ मत भूलिएगा। दुआओं में याद रखिएगा कि अल्लाह ताला अपनी रहमत और अपना करम हम पे ऐसे ही बनाए रखे और हम मज़े मज़े की रेसिपीज़ लेके आपकी खिदमत में ऐसे ही हाजिर होते रहें। अल्लाह हाफिज़।